नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. सुनो तो पता की कहना बुक के उपर थोड़ा ना कॉम्प्लीकेटेड देता ना, तो बुक तो भी पढ़ो ठीक है, थोड़ा नोट्स जरूर तैयार करो. मैं तो ही देखोगे तुम ईजली समझ लग जाएगी, पर सीधा डायरैक्ट बुक तो पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं लगे. ठीक है जी. सो स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग असी किवें करना है नो? देखो जिवें स्प्रिंग है, यह बॉडी स्प्रिंग ने अटैच करके इनू रखता, इनू ना स्ट्रैच किया ना इनू डिफॉर्म किया, कंप्रेस किया ना स्ट्रैच किया. ठीक है हुण देखो हुण जिहनूं आपां करदे हां स्ट्रैच, की करदे हां स्ट्रैच, देखिए किन्नी डिस्प्लेसमेंट होंदी है. मान लो इत्थे चल गया, सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट किन्नी हैगी है, एक्स आ डिस्प्लेसमेंट फोर्स, इधर नूं अप्लाई की ना एक्सटर्नल. देखो जो स्प्रिंग नूं तुसीं स्ट्रैच करोगे, इधर नूं फोर्स अप्लाई करोगे इस साइड नूं, की होएगा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो जाएगी स्प्रिंग दे विच, जिहड़ी की करेगी उन्हों ब्लॉक नूं वापस फिर उहदी पोजिशन ते लैके आने की कोशिश करेगी. इत्थे करके देख लो स्प्रिंग नूं स्ट्रैच कराएंगे उन्हें छड्डांगे अपने आप अपनी पोजिशन वापस आउंदा ना, किहड़ी फोर्स करके ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स. असीं फोर्स इधर लगा रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स किधर होएगी, इस साइड होएगी रीस्टोरिंग फोर्स. सो देखो हुण रीस्टोरिंग फोर्स कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. माइनस साइन की दोनों डायरेक्शन की हैगी ओपोजिट, माइनस साइन कि करके आ डायरेक्शन की हैगी आ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ओपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी. सो एफ कि आ गया माइनस के एक्स. ठीक है जी. के की है अपना स्प्रिंग कॉन्सटेंट. ठीक है जी. इन होर आप कह दें इन हुक्स लॉ भी कह दें, ये आप पढ़ांगे सैकेंड टर्म दे विच करांगे इनू आप. हुक्स लॉ बहुत ईजी आ. ठीक है फोर्स ओनी रीस्टोरिंग लगेगी जिनी ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. ठीक है इनू रीस्टोरिंग फोर्स लिखना, कॉन्सटेंट आ गया ये, रीस्टोरिंग फोर्स करके आ गया फॉर्मूला. जे तुम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना तुम इक्वल टू हैगा के एक्स, हम माइनस साइन नहीं होना क्योंकि फोर्स की जी एक्सटर्नल फोर्स से डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन की हैगी सेम. ठीक है जी. सो नैक्सट असं रिलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है जी. सो पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो असं एक्सटर्नल फोर्स लगाई हूँ जिवें स्प्रिंग आ, इनू किन्ना डिस्प्लेस किया मान लो इतने ही पहला इतने लग गए, डिस्प्लेसमेंट किनी हुई डी एक्स हुई, किनी हुई डी एक्स. ठीक है हम वर्कडन देखिए समॉल वर्कडन एक्सटर्नल फोर्स का करके देखो, फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दोनों ही डायरेक्शन सेम आ, कॉज जीरो डिग्री कि आ गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, कॉज जीरो डिग्री वन हों डी डबल्यू कि आ गया एफ एक्सटर्नल डी एक्स. हम देखो एक्सटर्नल किल ही के एक्स दे, हम टोटल वर्क डन लभना तुम देखो डिस्प्लेसमेंट कि करवानी, तुम टोटल कि करवानी है एक्स करवानी, डिस्प्लेसमेंट कि करवानी है एक्स. सो हमें तो टोटल वर्क डन फाइन करने ही कर देंगे इंटीग्रेशन. सो लिमिट की होएगी वर्क डन आ जाएगा ना टोटल इंटीग्रेशन तुम दस्या ही, पूरा थोड़ा जहा वर्क डन करके ही हम पूरा कंप्लीट लभना फाइंड करना. सो कि अं कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीनस समेशन, थोड़ा थोड़ा वर्कडन जो मैं किया सारे ऐड करके अं टोटल वर्कडन फाइंड कर लाँगे. हम देखो इंटीग्रेशन तुम किने तो जीरो तो लैके जो इतने जीरो तो ही ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो इतों लैके टोटल किन्ना तुम डिस्प्लेसमेंट करनी एक्स तक करनी है, क्योंकि डी एक्स वेरी कर दिया ना के एक्स इंटू डी एक्स, के कॉन्सटेंट बाहर आ गया हूँ ए एक्स की पावर वन आ, तुम्हें पता नहीं इंटीग्रेशन की करनी पावर एक ऐड हो जानी ये नीचे भी उदा लिख देना
लिमिट किनी है कि जीरो टू एक्स कि आ गया के एक्स का स्केयर बाय टू लिमिट जीरो टू एक्स पहले ये एक्स पुट करना फिर जीरो माइनस लगा के फिर एक्स जीरो पुट करना टू पता ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की आ जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्केयर ये वर्क डन कि आ जाएगा ता पोटेंशियल एनर्जी की होगी ये थोड़ी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है जी। सो जे तुसी इहदा ग्राफ बनाओगे ठीक है इधर की लवेंगे आपां डिस्प्लेसमेंट इधर पोटेंशियल एनर्जी यू तो ग्राफ इदा ना बने क्योंकि यह दोनों कॉन्सटेंट आ वन बाय टू भी कॉन्सटेंट के भी कॉन्सटेंट एक्स की वैल्यू पुट करो यू की आई जाने ग्राफ बनाओगे इदा का बनेगा ग्राफ ठीक है जी। जिमें जिमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इनक्रीज होती जाएगी ठीक है जी। इधर उदो आ जो कंप्रैशन कर रहे हैं यह जो एक्सटेंशन कर रहे हैं ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स यह रिलेशनशिप हो गया थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी ना स्प्रिंग वाले का। सो नैक्सट आर्टिकल हैगा जी थोड़ा आर्टिकल नहीं है तुम एक नमेरिकल प्रॉब्लम करवा देने यदि एक पहले दस दें स्प्रिंग कॉन्सटेंट की हैगा तो कितना ना एफ इज इक्वल टू के एक्स के निकल आ गया एफ ओवर एक्स है ना रीस्टोरिंग फोर्स माइनस जो मैगनीट्यूड लै लीए फिर तो है ना एफ इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं जो मैगनीट्यूड लै लीए ठीक है जी। जो डायरेक्शन लॉगे फिर माइनस साइन इतना लाना जरूरी है मैगनीट्यूड लॉ तुम्हें पता तो नैगेटिव साइन कुछ नहीं लेता आपको के कोल आ गया एफ ओवर एक्स हूँ इन की लिख सकते हैं स्प्रिंग कॉन्सटेंट इज डिफाइंड एज द स्प्रिंग कॉन्सटेंट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग यूनिट क्या है तुम्हें पता ना फोर्स लिखे होंगे न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मीटर तो यूनिट्स की होंगे न्यूटन पर मीटर ठीक है जी। सो एग्जाम्पल करते हैं आप नैक्सट एक क्वेश्चन आ तुसी इनू आप करोगे ठीक है क्वेश्चन लिख देना इनू आप ट्राई करने की कोशिश करना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग वैन स्ट्रेच्ड थ्रू 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन वर्क डैट मस्ट बी डन टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ठीक है। यह क्वेश्चन तुम आप करके मैंने सोल्यूशन सेंड करना ग्रुप के विच।